स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं हम अभी कैपेसिटर की सीरीज कर रहे हैं, और कैपेसिटर की सीरीज के अंदर हमने पीछे के दो लेक्चर कवर कर लिए हैं। आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बिकॉज इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपसे नेक्स्ट चैप्टर में भी पूछा जाएगा। बस वहाँ कैपेसिटर की जगह रेजिस्टेंस होगा। तो जब हम कैपेसिटर को सीरीज में अरेंज करते हैं या फिर पैरेलल में या फिर इसका मिक्स कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो उसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका सीबीएसई एज वेल एज जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट मीन्स इस लेक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना। जहाँ डाउट्स होंगे उसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद सीरीज। सीरीज ओके, तो इसके लिए हमने कुछ कैपेसिटर्स लिए, लाइक दीज आर दी कैपेसिटर्स, और इन कैपेसिटर्स को हमने अरेंज किया सीरीज में, और ये हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सपोज टू बी वी। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3। अब ध्यान से समझिए, इस पे चार्ज मान लीजिए पॉजिटिव, और इस पे इंड्यूस हो गया है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, सो दीज आर दी डिफरेंट कैपेसिटर्स। आई होप सो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, अभी हमने कुछ भी नहीं किया। तो सबसे पहले समझते हैं सीरीज का मतलब क्या होता है। सीरीज का मतलब होता है ऐसी चीज जहां पे आपका सेम चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है। सेम चार्ज फ्लो करता है सीरीज के अंदर। आप देखेंगे तो अगर एक ही वायर से तीनों की तीनों कनेक्टेड होंगे तो उसको हम सीरीज कहते हैं सिंपली। तो यहां से तो हमें वोल्टेज कितनी दी है, वी दी है, लेकिन इन तीनों को जो वोल्टेज मिलेगी वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यहां से इसकी वोल्टेज हो जाएगी V1, इसकी हो जाएगी V2, इसकी हो जाएगी V3। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा इट इज इक्वल टू वी। अब ये हम कैसे पता करते हैं कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो V होगा, तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लिख देते हैं सपोज A, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख लिया B। अब आप देखिए A और B के बीच की पोटेंशियल कितनी है, V है। हमने दो पॉइंट लिए A और B, उसके बीच में एक बैटरी लगी है, तो उसकी पोटेंशियल कितनी है, V है। अब देखिए A और इस पॉइंट, अगर मैं B की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ भी कितने तीन कैपेसिटर्स हैं, लेकिन पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट इज A एंड फाइनल पॉइंट इज B। तो आप जानते हैं जो पोटेंशियल होता है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सो दैट मींस ए और बी की वोल्टेज भी कितनी होगी, वी होगी। लेकिन इसके बीच में हमें तीन कैपेसिटर मिले, और तीनों कैपेसिटर की जो वोल्टेजेस हैं वो है V1, V2, V3। सो वी कैन राइट हियर वी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर हो गई होगी ये चीज। इसका मतलब ये जो V होगा इट इज अ सम ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3। अब क्योंकि ये तीनों एक ही वायर से कनेक्टेड है, तो तीनों में चार्ज जो है वो सेम फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका चार्ज होगा, लाइक क्यू इज द चार्ज, वो क्या होगा, सेम होगा, सेम फॉर ऑल कैपेसिटर्स। क्लियर यहां तक पॉइंट? तो इसका मतलब चार्ज क्यू रहने वाला है। पोटेंशियल का हमने ये फॉर्मूला लिख दिया है। अब हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पीछे पढ़ा है, दिस इज लाइक सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी। सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब थोड़ा ध्यान से समझिए, अगर मैं यहाँ से V की वैल्यू को निकालता हूँ, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाय C, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए, अगर मैं निकालूँ ओवरऑल वोल्टेज, तो ओवरऑल वोल्टेज का मतलब टोटल वोल्टेज की बात करें, तो टोटल चार्ज कितना लिखा मैंने, Q, क्योंकि इसके अंदर चार्ज कितना है, Q। टोटल कैपेसिटेंस को मैंने लिख दिया सी नेट। सी नेट का मतलब क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस। अब फर्स्ट वाले का लिखते हैं, वी चार्ज तो तीनों में सेम फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर भी चार्ज कितना फ्लो करेगा, Q, लेकिन इसका कैपेसिटेंस कितना है, C1। दूसरे वाले के अंदर भी चार्ज सेम फ्लो करेगा, Q, लेकिन कैपेसिटेंस है C2, क्यू C3। तो आप यहां से क्या करेंगे, क्यू बाय सी नेट। अब यहां से Q को आप कॉमन ले सकते हैं, दिस इज लाइक 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। सो क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस इज लाइक सी नेट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है सीरीज के लिए। तो अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ कैपेसिटर लिखे होंगे, तो प्लस में चलता रहेगा कैसे, 1 बाय CN तक। तो ये हमारा फॉर्मूला है सीरीज के लिए। अब समझते हैं पैरेलल वाली कंडीशन क्या होती है। पैरेलल देखो, अगर हम पैरेलल की कंडीशन लेते हैं, तो पैरेलल के पहले यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं पैरेलल का। देखो, सो दिस इज लाइक कैपेसिटर C1, दिस वन इज कैपेसिटर C2, और यहाँ पे हमने ले लिया कैपेसिटर सपोज टू बी C3, ओके, और यहाँ पे हमने इसे कनेक्ट कर दिया थ्रू अ बैटरी V। अब ये कंडीशन पैरेलल की है, ये हम किस तरीके से देखते हैं। तो देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा एक पॉइंट A, यहाँ पे लिखा एक पॉइंट B। अब देखिए, ये जो वोल्टेज है
ये जो वोल्टेज है आप यहाँ पे इजिली देख सकते हैं कि वोल्टेज ए और बी के बीच की कितनी है, वी वोल्ट है। अगर मैं पहले कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ इस सी वन की, तो देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इस पॉइंट ए से, और ये दूसरा पॉइंट कौन सा है, बी। इसके बीच में क्या आ रहा है, कैपेसिटेंस सी वन आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारी वोल्टेज थी वी, बैटरी जो कनेक्ट थी, वो भी ए और बी के बीच में, यहाँ भी ए और बी के बीच में, तो इसका मतलब इसकी वोल्टेज भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि पॉइंट इनिशियल और फाइनल क्या है, सेम है। तो इट मीन्स इसकी वोल्टेज क्या रही होगी, वी, और इसकी वोल्टेज बिकॉज ये भी ए और बी के बीच में, तो इसकी वोल्टेज भी वी और इसकी वोल्टेज भी वी। तो इसका मतलब पैरेलल जो है इस तरह का कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर वोल्टेज जो रहती है, पोटेंशियल जो रहती है, वो सेम रहती है। तो ध्यान रखना है पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम रहती है, रिमेन सेम, और ये हमने कितनी लाइट कर रखी है यहाँ पे, वी। लेकिन क्या चार्ज सेम होगा यहाँ पे, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ से जब ये वायर गई तो ये वायर तीन पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज क्यू वन, यहाँ पे चार्ज क्यू टू, यहाँ पे चार्ज Q3। तो अगर यहां से नेट चार्ज Q गया था तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया, Q1, Q2 और Q3 में। लेकिन आप देखेंगे तो ये चार्ज जो है यहां पे आके जब इकट्ठा होगा तो वापस आपको क्या मिल जाएगा, यहां से Q मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये Q है, जो टोटल चार्ज है Q, इट इज अ सम ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब अगर मैं चार्ज की वैल्यू निकालता हूं तो अकॉर्डिंग टू दिस कैपेसिटेंस फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, Q की वैल्यू निकालें तो V इंटू में C। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं वोल्टेज कितनी दी थी आपको टोटल, V, और जो हम नेट निकाल रहे हैं उसको मैंने लिखा सी नेट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, Q1 की बात कर रहे हैं इस वाले की, तो इस वाले पे वोल्टेज कितनी रही होगी, तो वोल्टेज तो यार यहाँ पे सेम रही होगी, तीनों में वोल्टेजेस क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, तो यहाँ लिख देंगे C1Q, यहाँ पे हो जाएगा C1V, यहाँ हो जाएगा C2V, यहाँ हो जाएगा C3V। तीनों के लिए पोटेंशियल सेम है, कैपेसिटेंस तीनों का अलग है, C1, C2 एंड C3। सो लाइक वी को यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं, वी को कॉमन ले लेते हैं, दिस इज लाइक C1, C2 एंड C3, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज लाइक सी नेट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आपका कैपेसिटेंस होता है पैरेलल के अंदर। तो आप देखेंगे जो आपने रेजिस्टेंस पढ़ा होगा क्लास 10th के अंदर, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस में क्या होता था, ये फॉर्मूले बिल्कुल उल्टे होते थे, सीरीज में फॉर्मूला होता था, सीरीज में जब हम रेजिस्टेंस की बात करते थे, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, क्लियर, RN तक। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐड होता था, और जो ये रेसिप्रोकल वाली कंडीशन होती थी हमारी इस तरह की, ये हमें पैरेलल में देखने को मिलती थी, हम वहाँ क्या करते थे पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2। सो लाइक ये बिल्कुल उल्टा है किसके, रेजिस्टेंस के। लेकिन अब आपको ये क्लियर हो चुके होंगे कि यार सीरीज में आपको क्या करना है, सीरीज में 1/ मतलब रेसिप्रोकल की फॉर्म में लेके चलना है कैपेसिटेंस को, और पैरेलल में आपको सीधा ऐड कर देना है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, और वो क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दो बेसिक क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है, नेट कैपेसिटेंस निकालना है इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, नेट कैपेसिटेंस निकालना। तो देखिए अब इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, पहले से थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये और ये कैपेसिटर किस तरीके से अरेंज है, यहाँ पे ये दोनों कैपेसिटर, ये दोनों पैरेलल में अरेंज है, और पैरेलल में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में अरेंज है तो उन्हें ऐड कर देते। तो इट मींस जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, सी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2C। सी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2C। इसका मतलब पैरेलल में जो चीजें होती है उन्हें ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों की जगह पे एक कैपेसिटर आ जाएगा यहाँ पे। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ऐसा हो जाएगा कुछ ये। ओके, इसका मतलब इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर आ गया 2C का, और ये 2C क्यों आया, क्योंकि दोनों पैरेलल में थे और पैरेलल में हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हो गया सी। अब ये सारे के सारे सीरीज में, इसको पैरेलल में मत समझना इसके, बिकॉज ये एक ही वायर से कनेक्टेड है। अगर एक वायर कहीं भी डिवाइड नहीं हो रही है और ये वायर सबसे कनेक्टेड है सिंपली, तो इसका मतलब ये सारे सीरीज में है। तो इट मींस ये जब सीरीज में है तो इसका नेट कैपेसिटेंस अगर हमें निकालना है सी नेट, तो हम क्या करेंगे, दिस इज लाइक 1/C प्लस में 1/2C प्लस में 1/C प्लस में 1/C। इस तरीके से हम इसके नेट कैपेसिटेंस को निकाल सकते हैं। तो इट मींस यहां से अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2C हो जाएगी, एंड दिस वन इज लाइक 2, दिस वन इज लाइक 2, दिस वन इज लाइक 1, दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज अगेन 2। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी नेट इज इक्वल टू 2, 4, 6 एंड 7, सो दिस इज लाइक 7/2C। अब इसे उल्टा कर दीजिए रेसिप्रोकल, तो सी नेट की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2C/7, सो दिस इज योर नेट कैपेसिटेंस। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है नेट चार्ज, इसके अंदर हमें निकालना है नेट चार्ज, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा वो हमें डिटरमाइन करना है। ओके, और इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो
तो सबसे पहले क्या करिए, इसमें आपको जब सीरीज पैरेलल ना समझ में आए तो किसी एक एंड से स्टार्ट करिए क्वेश्चन को। आप इस एंड से स्टार्ट करिए, देखिए ये दोनों देखिए एक ही वायर से कनेक्टेड है, ये दोनों एक ही वायर से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये दोनों किस में है, ये दोनों सीरीज में है। और अगर सीरीज में है तो सीरीज में हम क्या करते थे, वन अपॉन में उस चीज को लिखते थे। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, तो अगर मैं इस वाले को सॉल्व करता हूं, तो दिस वन इज लाइक, यहां पे लिख रहा हूं मैं, दिस इज लाइक 1/2c प्लस में 1/2c। सीरीज में हम इसी तरीके से सॉल्व करते थे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 1/c नेट की अगर मैं यहां वैल्यू निकालता हूं इन दोनों का मिला के, तो दिस इज लाइक 2c आ जाएगा एलसीएम, दिस इज लाइक 1 प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा 2/2c, इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, 1/c उल्टा कर दीजिए, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी इसकी कितनी, सी। तो सी नेट की वैल्यू यहां पे कितनी आ रही है आपके पास, सी। इन दोनों का कैपेसिटेंस कितना आ गया, सी। तो इन दोनों की जगह पे हम एक कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसका कैपेसिटेंस कितना है, सी। तो अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाइड करता हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन। तो इट मीन्स इन दोनों की जगह पे सिर्फ मैंने एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिया और इस कैपेसिटर की वैल्यू लिख दी सी, क्योंकि इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया, ये दोनों सीरीज में थे, तो आंसर कितना आ रहा है, सी। ये भी क्या लिखा हुआ है सामने वाला, सी दिस वन इज 2c और ये लिखा है सी दिस वन इज 2c दिस वन इज 10b। अब ये दोनों कैपेसिटेंस कैसे दिखाई दे रहे हैं जी, ये दोनों किसमें, पैरेलल में। अगर मान लीजिए मैं यहाँ एक पॉइंट ए ले लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ बी, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये कैपेसिटर भी ए से बी के बीच में और ये कैपेसिटर भी ए से बी के बीच में, तो दोनों किसमें, पैरेलल में। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, तो पैरेलल में वैल्यू क्या होती थी, ऐड जाती थी। तो अगर मैं इसका सी नेट निकालता हूं, तो कितना हो जाएगा, सी प्लस में सी इज इक्वल टू 2c। तो इन दोनों की जगह पे हम एक कैपेसिटर लिख सकते हैं 2c का, क्योंकि वो उसका रिजल्टेंट आ रहा है। तो इट मींस आप इसे सॉल्व करते हुए चलिए इसी तरीके से, थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सो दिस इज लाइक 2c। इन दोनों को सॉल्व करके हमारी एक वैल्यू आ गई, जिसको हमने लिख दिया यहाँ पे 2c, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके हमारा रिजल्टेंट आ रहा था 2c। ओके, अब यहाँ पे आते हैं फर्दर, यहां तक सॉल्व करके 2c आ गया। अब देखो 2c एंड 2c ये दोनों किसमें दिखाई दे रहे हैं, वापस सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। तो हमने देखा था पहले भी 2c और 2c थे, यहां भी क्या आ रहे हैं 2c और 2c, तो आंसर कितना आया था आपका, c आया था, जब आपने सीरीज में इसे सॉल्व किया था। तो इन दोनों की जगह भी वैल्यू कितनी आने वाली है, c आने वाली है आपकी वैल्यू। तो इसका मतलब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ ऐसा हो जाएगा, लाइक आप यहां 10 लिखिए, दिस इज लाइक 2c दिस वन इज c, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वैल्यू आएगी c अगेन। अब ये दोनों किसमें दिखाई दे रहे हैं आपको, अगेन आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको, ये दोनों किसमें, पैरेलल में, और पैरेलल में हम क्या करते थे, ऐड। तो c प्लस c कितना हो जाएगा, 2c। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, तो अब यहां पे आ गया है 2c और यहां भी लिखा है 2c। अब देखिए ये दोनों जो बच गए हैं लास्ट में, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, इन दोनों को हमने सॉल्व किया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया था, 2c आया था, क्योंकि पैरेलल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद वैल्यू आई 2c। अब ये दोनों किसमें हो गए हैं, सीरीज में, तो सीरीज में अगर 2c और 2c को सॉल्व किया था, तो आंसर कितना आया था, c। तो इसका मतलब इसका जो नेट कैपेसिटेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, c, और पोटेंशियल कितना दिया था, 10 वोल्ट दिया था। अब आपको क्या निकालना था, चार्ज की वैल्यू निकालनी थी। आप जानते हैं q इज इक्वल टू क्या होता है, cv, तो c कितना आया, c आया, और v की वैल्यू कितनी आई, 10 आई, तो आंसर कितना हो गया, 10c। क्लियर हो गई चीज, तो ये वैल्यू हो गई है आपकी, ये 10c का मतलब हो गया 10 × c, चार्ज की वैल्यू क्या होती है, कूलम, तो आप यहाँ पे कूलम लिख सकते हैं, दिस इज फॉर दी चार्ज। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। तो इस तरीके के दो बेसिक क्वेश्चन हैं आपके पास, जिससे आपको काफी हद तक सीरीज और पैरेलल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड। तो देखिए अब समझते हैं कुछ इस तरह के क्वेश्चंस। देखिए ये क्वेश्चंस आपके लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं, बट कोशिश है कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको इस तरह का एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया है, आपको नेट कैपेसिटेंस निकालना है CAB के बीच में, मतलब ए पॉइंट से बी के बीच में, और यहाँ पे निकालना है CAB के बीच में आपको नेट कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले तो देखिए ये आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि इसको पहले अरेंज कैसे करते हैं सीरीज और पैरेलल में, ताकि आपके लिए देखना इसे इजी हो जाए। क्योंकि देखिए ये वाली वायर यहाँ भी जा रही है, ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, ये फिर दोबारा इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, ये जो पॉइंट ए लिखा है, तो आप इसको एक पॉइंट ए लिख लीजिए, बिकॉज यही वायर यहाँ इस पॉइंट पे भी है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये पॉइंट अगर ए है, तो इसको भी ए लेट कर लिया। देखिए यही वायर देखिए ऊपर जा रही है और इस पॉइंट पे आके मिल गई। अब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा है क्या, नहीं। यहाँ पे कोई कैपेसिटर है क्या, नहीं। तो इसका मतलब कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहाँ पे, नहीं। क्योंकि जब कोई रेजिस्टेंस या फिर कोई कैपेसिटर होगा, तभी तो कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो इस पॉइंट ए पे भी क्या होगा, सेम पोटेंशियल होगा। तो जो पॉइंट मैंने ए यहाँ लिखा था, उसे भी मैंने ए यहाँ लिख दिया। सिंपली जो पॉइंट मैंने बी लिखा था, इसको मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया बी, क्योंकि सेम वायर है यहाँ तक। फिर इस वायर में देखिए इस पॉइंट तक, क्या यहाँ पे इसके बीच में
कोई भी आपको कैपेसिटर या रेजिस्टेंस ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लाइक यहाँ पे क्या हो गया, बी पॉइंट लिख दिया हमने, क्योंकि यहाँ भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगी, तो क्या होगी, पोटेंशियल सेम होगी। अब देखो इस कॉन्सेप्ट से हमारे लिए बहुत ईजी होने वाला है। सबसे पहले समझो जो ये वाला कैपेसिटर आपका लगाया हुआ है ये किस किस के बीच में है, ए और बी पॉइंट के बीच में, क्लियर हो रही है चीज? तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा पॉइंट ए और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा बी, और मैंने इसके बीच में लगा दिया एक कैपेसिटर जिसकी वैल्यू कितनी है, सी। अब बात करते हैं इस वाले कैपेसिटर की, तो ध्यान से समझोगे ये कैपेसिटर भी ए और बी के बीच में है, तो इसका मतलब हमारा जो दूसरा कैपेसिटर था वो भी ए और बी के बीच में है। तीसरा कैपेसिटर देखो वो भी ए और बी के बीच में है। तो अब शायद आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये तीनों के तीनों कैपेसिटर कैसे अरेंज हो रखे हैं पैरेलल में, ये तीनों के तीनों कैपेसिटर अरेंज हो रखे हैं पैरेलल में। तो अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। पैरेलल में आपको क्या करना है, सी प्लस सी प्लस सी इज इक्वल टू थ्री सी, दिस इज दी सी ए बी वैल्यू बिटवीन ए बी। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, दिस इज अ पॉइंट ए, इसको पॉइंट ए लेट कर लिया। फिर आप देखिए जहां पे कोई कैपेसिटर नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, वहां पोटेंशियल भी सेम रहेगी, तो पॉइंट ए पे भी क्या रहेगी, पोटेंशियल सेम रहेगी। सिमिलरली यहां पे पॉइंट बी था तो इसको हमने यहां लेट कर लिया बी, क्योंकि सेम वायर जा रही है। और फिर हमने देखा यहां भी कुछ अरेंज नहीं है, कुछ नहीं लगाया, तो इसका मतलब इसको भी पॉइंट बी लेट कर लिया, क्योंकि यहां भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगी। और फाइनली फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, तो आंसर कितना है, थ्री सी। अब इसको समझते हैं सेम इसी तरीके से। देखिए यहाँ पे हमें सी ए बी, ए और बी के बीच में निकालना है। देखिए यहाँ पे दिया है ए, क्या मैं इस पॉइंट को ए लेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में एक कैपेसिटर आ गया, ध्यान से समझिए, यहाँ पे बीच में एक कैपेसिटर आ गया। तो जब भी कोई कैपेसिटर बीच में आ जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप जरूर हुई होगी। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट डिफरेंट होने वाले हैं। तो इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं सपोज टू बी डी, तो इस पॉइंट को मैंने लेट कर लिया है यहाँ पे डी। अब देखिए ये पॉइंट मैंने डी लेट कर लिया, लेकिन इस पॉइंट से जाइए इस पॉइंट तक, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहां कोई कैपेसिटेंस नहीं लगा था, तो ये डी है, तो ये पॉइंट भी क्या होगा, डी होगा। अब इस तरफ आते हैं, देखिए ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट भी बी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ रहा है, तो पोटेंशियल में चेंज आया होगा, तो इस पॉइंट को हमने ई लेट कर लिया। लेकिन इस वायर से इस पॉइंट भी देखिए यहां पे कोई कैपेसिटेंस नहीं लगा है, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगी, तो इस पॉइंट को भी मैं ई लेट कर सकता हूं। क्लियर हो गई ये चीज यहां तक? तो हमने यहां पे क्या किया है, बीच में कुछ पॉइंट्स लेट कर लिए जो हमें इजी कर देगा इस सर्किट को बनाने में। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ए और डी के बीच में क्या आ रहा है, कैपेसिटेंस सी आ रहा है, तो मैंने यहां पॉइंट लिखा ए और यहां एक पॉइंट लिख लिया डी, और इनके बीच में कैपेसिटर लगा दिया सी। क्लियर हो गई चीज? अब इसके बाद डी और ई के बीच में एक आ रहा है, एक कैपेसिटेंस आ रहा है सी, तो ये डी था ना, इसके बगल मैंने एक और पॉइंट लिख दिया ई लिख दिया, और इसके बीच में कैपेसिटेंस लगा दिया हमने इस तरीके से सी। फिर हमने नेक्स्ट वाले को देखा, इस कैपेसिटर पे ध्यान दो, ये सी वाला अगला, ये भी तो डी और ई के बीच में है, तो इसका मतलब ये डी और ई है, तो हमने यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा दिया डी और ई के बीच में। अब नेक्स्ट वाले कैपेसिटर पे ध्यान दो, देखो डी और ई ये भी इसके बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक और कैपेसिटर लगा है डी और ई के बीच में। फिर देखिए नेक्स्ट का लगा है ई और बी के बीच में, ये पॉइंट ई है और ये पॉइंट हमारा बी हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे कैपेसिटर। अब तो ये बड़ा सिंपल हो चुका है क्वेश्चन, अब आपको क्लियर होगा तीनों के तीनों किसमें है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में अगर आप तीनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3C हो जाएगी। तो इसका मतलब हो जाएगा कुछ इस तरीके से, लाइक A और यहाँ वैल्यू हो जाएगी 3C और यहाँ पे कैपेसिटर है C। अब ये तीनों किसमें हो गए हैं, सीरीज में हो गए हैं, तो सीरीज में आपको सॉल्व करना आता है, दिस इज लाइक सी नेट इज इक्वल टू 1/C प्लस में 1/3C प्लस में 1/C। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया है किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं? देखिए कुछ इस तरीके की, देखिए यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है, और जो हमने पीछे ट्रिक यूज करी थी वो भी इस तरह के क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट नहीं होगी, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल अलग होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आप देखेंगे जनरली क्या होगा, ये सर्किट्स जो होंगे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे होंगे, वो भी इक्वली। अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तभी इन क्वेश्चंस को हम कर पाएंगे, इनकी कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप देखिए जैसे ये आपको सर्किट दिया हुआ है, तो इस सर्किट में देखिए अगर मैं इस पार्ट से इसे डिवाइड करता हूं, तो जो आपको इस पोर्शन में देखने को मिल रहा है वही आपको इस पोर्शन में देखने को मिल रहा है। क्लियर हो रही है चीज? जो आपको इस पोर्शन में देखिए, जिस तरह का सर्किट इस तरफ बना है उतना ही इस तरफ भी बना है। तो ऐसे समय पर आपको क्या करना होता है, ये जो पॉइंट आपको दिया हुआ है दिस पॉइंट, इस पॉइंट को क्या करिए, यहां से जहां से हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यहां से इस पॉइंट को हटा के इन दोनों को इस तरीके से जोड़ दीजिए। इसका मतलब ये पॉइंट नीचे की तरफ जुड़ा हुआ था, इन्हें ऊपर की तरफ हमने जोड़ दिया, जहां पे ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं दो इक्वल पार्ट्स में।
अब क्या करना है, अगर इस पॉइंट को मैं ऊपर कर देता हूँ इस तरीके से, ये सर्किट को सॉल्व करने का तरीका है एक्चुअल में, ठीक है ना, ट्रिक है जिसके थ्रू हम इसे सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ये और ये, अब इस लाइन को हटा दीजिए यहाँ से और सर्किट को आप बनाइए, बड़ा सिंपल हो गया। ये दोनों किस में दिखाई दे रहे हैं आपको, सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये एक ही वायर से कनेक्टेड है। तो इसे अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, देखिए ऐसा हो जाएगा आप सर्किट, बस ऐसा हो चुका है सर्किट। कैसे, ये देखिए ये वाला कैपेसिटेंस आपको सी दिया था, ये वाला कैपेसिटेंस इसके साथ, इसके नीचे दो कैपेसिटेंस लगे हुए हैं इस तरीके से, फिर साथ में एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो अब सर्किट क्या हो चुका है, बहुत सिंपल हो चुका है। अब तो आप शायद इसे बहुत इजिली कर सकते हैं। अब ये दोनों किसमें, सीरीज में है, तो सीरीज में क्या करते थे हम, इसे 1/C प्लस में 1/C करके सॉल्व कर सकते हैं। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज लाइक 2/C से उल्टा कर देंगे, सी नेट की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे वो आएगी C/2। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आ जाएगी वैल्यू C/2। तो इट मीन्स ऊपर वाला कैपेसिटर है आपके पास सी, नीचे वाला को सॉल्व करोगे तो C/2 वैल्यू आ जाएगी। एंड फाइनली आप ये जानते हैं कि आपके जो बाकी कैपेसिटर्स हैं C, ये सारे किसमें, सीरीज में अरेंज है क्योंकि एक ही वायर से कनेक्टेड है। अब ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। दिस इज लाइक सी नेट की वैल्यू इसकी निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी, सी प्लस में C/2। अब इसे सॉल्व कर दिए, दिस इज लाइक 2C प्लस में C/2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3C/2। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारी वैल्यू हो जाएगी 3C/2। तो मैं इन दोनों की जगह पे एक कैपेसिटेंस लगा देता हूं यहां पे, दिस इज लाइक 3C/2। अब तो आई होप सो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे किसमें हो गए सीरीज में। तो आप लिखेंगे सी इक्विवेलेंट इज, ये कितना हो गया 3C, इसका 2 चला जाएगा ऊपर, और दिस वन इज लाइक C+ में 1, 2, 3, 4, दिस इज लाइक 1, 2, 3 एंड 4। आप इसे सॉल्व करेंगे आपका सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन हमारे पास ये भी है, देखिए इस तरीके से आपको एक सर्किट दिया हुआ है और यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना है। तो आप क्या करिए, इसे दो इक्वल पार्ट्स में, जहाँ भी डिवाइड हो रहा है इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, लाइक हमने यहाँ से इसे दो इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करने की कोशिश करी। जब अब हम इसे दो इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे जहाँ पे मिल रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, हम इस पॉइंट पे क्या करेंगे। अच्छा, पहले दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब आप इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन देखेंगे, दोनों तरफ आपको सेम पोर्शंस देखने को मिल जाएंगे, कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा दोनों पोर्शंस के अंदर। अब क्या करेंगे, देखिए इस पॉइंट को क्या करिए, यहाँ से उठा दीजिए, हटा दीजिए, और इसकी जगह पे इन दो वायर्स को ऊपर से कनेक्टेड और इन दो वायर्स को नीचे से कनेक्टेड कर दीजिए, बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा आपको क्या करना है, लाइक अब मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लूँ अगर, तो देखिए ये किस तरीके से बन चुका है सर्किट जो है, इस पर ध्यान दीजिए। पहले मैं इस वाले पोर्शन को अगर लेता हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, दिस इज लाइक ये और इसके साथ हमारे पास दो जो है वो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो दिस इज लाइक क्लियर। फिर यहाँ से हमारे पास जा रहा है एक रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस इस तरीके से, फिर सिमिलरली यहाँ से भी हमारे पास जा रहा है एक कैपेसिटेंस कुछ इस तरीके से, और फाइनली अगर आप इस वाले पे देखेंगे तो बिल्कुल सेम चीज आपको देखने को मिल जाएगी, दिस इज लाइक एंड दिस वन इज लाइक दो कैपेसिटेंस। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज लाइक 1 और इसके पैरेलल में कितने, ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं जो आपस में सीरीज में, तो ये इसके पैरेलल में। सिमिलरली इस वाले की बात करें तो इसके साथ ये दो हैं, इसके साथ ये दो हैं, बाकी एक और दो। अब तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप इसे कर सकते हैं ना शायद, अब तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आपको पता है कि लाइक अगर आप इस वाले को सॉल्व करते हैं, जो हमारा पोर्शन यहाँ भी आ रहा है, तो जब हमने इस वाले को पूरे को सॉल्व किया था तो वैल्यू कितनी आई थी हमारी, 3C/2। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी, 3C/2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी, 3C/2। और ये कैपेसिटेंस कितने हैं, CC के। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, सब किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो सीरीज में होने का मतलब ये हो जाएगा आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, दिस इज लाइक 3C ऊपर आ जाएगा 2 प्लस में, दूसरा कैपेसिटेंस कितना है 1/C, तीसरा कितना होगा अगेन 3C/2, इसका मतलब इसे उल्टा कर दीजिए, दिस इज लाइक 3C ऊपर आ जाएगा आपके पास 2 एंड प्लस में ये वाला, दिस इज लाइक 1/C। आप इसे सॉल्व करेंगे आपका फाइनल सी इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाएगा कुछ इस तरीके के क्वेश्चन के ऊपर, आपको ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, जो ए पॉइंट है इस पर ये कंडक्टर्स है मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, इस तरह के डायग्राम में टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। अब इसके लिए पहले आपको इसका सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ।
सबसे पहले ये आपकी प्लेट्स हैं अलग अलग। आपको पता है कि कैपेसिटर कैसे बनता है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके लिए हमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स की जरूरत पड़ती है, और इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स में क्या बनता है, कैपेसिटर बनेगा। इट मीन्स इसे हम प्लेट वन लाइट कर लेते हैं, इसे टू लाइट कर लेते हैं, इसे थ्री लाइट कर लेते हैं, और इसे फोर लाइट कर लेते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट प्लेटें। तो इसका मतलब इन दो प्लेट के बीच में जो कैपेसिटेंस हो गया सी1, क्योंकि ये पहला कैपेसिटर, इन दो प्लेट्स के बीच में जो कैपेसिटेंस हो गया दिस इज C2, इन दोनों के बीच में जो हो गया C3। तो यहाँ पे तीन कैपेसिटर हो गए, C1, C2 एंड C3। अब इनका अरेंजमेंट कैसा होगा उसे समझते हैं। तो पहले हमें जो पॉइंट A और B दिया है इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया पॉइंट A। अब जो A वाला है देखिए वो कौन कौन सी प्लेट से मिला हुआ है, 1 और 3। तो इसका मतलब हमने यहाँ लिखा 1 और यहाँ लिखा 3, तो हमने यहाँ प्लेट लिख दी 1 और 3 से A वाला मिला हुआ है। फिर अगर हम B की बात करते हैं तो B वाला कौन कौन सी प्लेट से मिला हुआ है, 2 और 4। तो हमने यहाँ लिखा दिस इज लाइक 2 और 4। क्लियर हो गई चीज। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे इन प्लेट्स को जनरलाइज किया 1, 2, 3, 4 इस तरीके से नेमिंग करके। फिर हमें पता है दो प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर होता है, तो यहाँ पे हो गया C1, फिर हो गया C2, यहाँ हो गया C3। एंड फाइनली A वाला जो है वो कौन कौन सी प्लेट से अटैच्ड है, 1 और 3, और B वाला किससे है, 2 और 4। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, A वाले की बात करते हैं। लाइक देखिए इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दिस इज लाइक 1 और 3। सबसे पहला जो C1 कैपेसिटर है वो किस किस के बीच में है, 1 और 2 के बीच में। 1 वाला पॉइंट कहाँ पे, 2 वाला कहाँ है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में। A वाला जो है उसकी एक प्लेट है और एक B वाला अपनी प्लेट प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे बीच में एक बना दिया कैपेसिटर इस तरीके से। और ये कौन सा कैपेसिटर है, C1। फिर बात करते हैं C2 की, C2 किस किस के बीच में है, 2 और 3। 2 वाला पॉइंट यहाँ आ रहा है, 3 वाला पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के बिहाफ पे हमारे पास C2 है। फिर देखिए अगर थर्ड वाले कैपेसिटर की बात करें तो उसमें 1.3 का है, 1.4 का है, तो 3 वाला पॉइंट यहाँ है, 4 वाला पॉइंट यहाँ है, तो इसका मतलब इनके बीच का ही ये थर्ड कैपेसिटर भी है। तो इसका मतलब ये तीनों किस में हो चुके हैं, यहाँ पे पैरेलल में हो चुके हैं। और अगर हमें इसका नेट कैपेसिटेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, दिस इज लाइक सी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा किस तरीके से आपको इस तरह के अरेंजमेंट्स को सॉल्व करना होता है। सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखिए An electrical technician required a capacitance of 2 μC in a circuit. इसका मतलब μF, सॉरी, तो इसका मतलब ये है एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है जिसको जो टोटल कैपेसिटेंस चाहिए उस सर्किट का वो कितना चाहिए, 2 μF, ठीक है ना, ये इसको वैल्यू चाहिए, अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 kW। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड की जा रही है वो कितनी है, 1 kW। अ लार्ज नंबर ऑफ 1 μF कैपेसिटर्स आर अवेलेबल टू हिम, उसके पास जो कैपेसिटर अवेलेबल है वो कितने हैं, 1 μF का एक कैपेसिटर है, बहुत सारे कैपेसिटर अवेलेबल हैं, ठीक है ना, और ईच विच कैन विदस्टैंड अ पोटेंशियल डिफरेंस नॉट मोर देन 400 वोल्ट। लेकिन जो एक कैपेसिटर है वो 400 वोल्ट से ज़्यादा में काम नहीं कर सकता है, ख़राब हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि क्या पॉसिबल अरेंजमेंट वो बना सकता है इसे करने के लिए, किसे वह करने के लिए, उसको एक सर्किट चाहिए, उसका टोटल कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, 2 μF होना चाहिए, उसकी टोटल पोटेंशियल कितनी है, 1 kV है, और आपको दिया है कि उसके पास कैपेसिटर कौन से हैं, 1 μF के। तो वो 1 μF के कैसे कैपेसिटर अरेंज करे सीरीज या पैरेलल में कि उसके पास जो आंसर आए उसकी पोटेंशियल इतनी हो और टोटल कैपेसिटेंस कितना हो, इतना हो। ओके, अब देखिए किस तरीके से आप इसे अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस सर्किट को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, वो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, लाइक अगर हम इस तरीके से चलते हैं और मैं किसी भी तरीके से लाइक एक पॉइंट यहाँ पे मैंने ले लिया इस तरीके से लाइक, देखो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे जो हमें पोटेंशियल प्रोवाइड की गई है वो कितनी है, 1 kV की, मतलब 1 kV का मतलब कितना हो गया, 1000 वोल्ट, ये आपको प्रोवाइड करी है। यहाँ पे हमने कैपेसिटेंस लगाए हैं लाइक C, 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 क्लियर हो रही है चीज़। ये किसमें, सीरीज में अरेंजमेंट है, और ये वाला अरेंजमेंट किसमें, पैरेलल में। अब ये जरूरी नहीं है इतने ही कैपेसिटेंस हो, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, पैरेलल में भी इससे ज्यादा रोज हो सकती है, इससे कम हो सकती है। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है वो एक कैपेसिटर की कितनी दी है, 1 μF दी है। लेकिन जब मैं इस टोटल सर्किट को सॉल्व करूं तो इसका जो टोटल कैपेसिटेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 2 μF आना चाहिए। तो इसने पूछा है कि सीरीज और पैरेलल में आप किस तरीके से अरेंज करिए इन कैपेसिटर को, कि आंसर कितना है, 2 μF है। और एक कंडीशन और है, टोटल वोल्टेज आपको कितनी दी है, 1000, लेकिन जो एक कैपेसिटर है ये वाला कोई सा भी कैपेसिटर, क्योंकि सेम कैपेसिटेंस है, उसकी वोल्टेज 400 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
तो देखिए ऐसी कंडीशन में सबसे पहले समझिए, आपको जो अपने रूल्स पता है उस पर चलते हैं। आपको टोटल वोल्टेज कितनी दी है? 1000 वोल्ट दी हुई है। आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो इसका मतलब यहाँ भी 1000 होगी, यहाँ भी 1000 होगी, यहाँ भी 1000 होगी, और अगर इससे नीचे होती कोई और पैरेलल में और भी रोज होती इस तरीके की, तो हम क्या करते हैं 1000 1000 सबको बराबर मिलती है पैरेलल में वोल्टेज। ओके, अब समझिए ये 1000 क्या होगी, यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर लगे होंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब आपको ये सोचना है कि यार मैं इसमें कितने कैपेसिटर लगाऊं, इस रो के अंदर मैं कितने कैपेसिटर यहाँ पे लगाऊं कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट जो हो रही है वो कितनी हो रही है 1000, लेकिन किसी को भी 400 से ज़्यादा वोल्टेज ना मिले, 400 से ज़्यादा वोल्टेज ना मिले, क्योंकि 400 से ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी या 400 तक मिलेगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास इस लाइन के लिए टोटल वोल्टेज कितनी है 1000, कितनी है 1000। अब हमें इसे डिवाइड किया करना है एन से, एन का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ कैपेसिटर, नंबर ऑफ कैपेसिटर। हम ऐसे कितने कैपेसिटर लगाए कि आंसर कितना है आपका 400, क्योंकि हम 400 से ज्यादा वोल्टेज नहीं अफोर्ड कर सकते वरना वो खराब हो जाएगा। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे, दिस इज लाइक 1000 और नीचे क्या आएगा 400 इज इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5। 2.5 अगर हम यहाँ पे कैपेसिटर लगाते हैं, लेकिन 2.5 तो कोई कैपेसिटर होता ही नहीं है, मतलब ढाई कैपेसिटर लगाना, दो पूरे और एक आधा, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे यहाँ पे कितने कैपेसिटर लगाएंगे, 3 कैपेसिटर लगाएंगे, दो से ज्यादा। इसलिए क्योंकि देखिए ढाई कैपेसिटर पे वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, ढाई वैसे होता नहीं, ढाई पे कितनी आ रही है बिल्कुल 400, लेकिन ढाई तो कोई कैपेसिटर है ही नहीं, तो हमें 3 कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे मिनिमम, क्योंकि अगर हम 3 कैपेसिटर लगाएंगे तो एक को वैल्यू अराउंड 1000 डिवाइडेड बाय 3 आप कर दीजिए, तो इसका मतलब हो जाएगा 333.3 वोल्ट, इसका मतलब 400 से कम मिलेगी वोल्टेज, तो सारे के सारे एफिशिएंटली काम भी करेंगे। तो इसका मतलब एक रो जो होगी उसके अंदर कितने कैपेसिटर लगे होंगे आपके, 3 कैपेसिटर लगे होंगे। ठीक है, अब सोचिए कि लाइक, अब मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ 3 ही कैपेसिटर लगाए थे इस तरीके से, यहाँ पे हमने लगा दिए 3 कैपेसिटर, क्योंकि हमारा आंसर अभी तक 3 आ चुका है कि हमें एक रो के अंदर 3 कैपेसिटर लगाने। तो यार इस रो का कैपेसिटेंस कितना आएगा, एक रो का कैपेसिटेंस कितना आएगा अगर तीनों सीरीज में, तो हम क्या करेंगे सी नेट निकालेंगे, तो इसका मतलब वैल्यू हो जाएगी 1/C + 1/C + 1/C, और इसको हम लिख सकते हैं 3/C, दिस इज लाइक 1C नेट, और इसे उल्टा कर दीजिए, दिस इज लाइक C/3। अब C की वैल्यू कितनी दी है, तो एक कैपेसिटर की जो वैल्यू दी थी वो दी थी 1μF, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3μF, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एक की, एक की वैल्यू कितनी हो रही है 1/3 वैल्यू हो रही है आपकी, किसकी, एक रो की। अब एक रो की वैल्यू आ रही है 1/3μF, आप समझिए ऐसी हम कितनी रोज यहां पे रखे, ऐसी हम कितनी रोज यहां पे रखे कि हमारा टोटल आंसर कितना है 2μF आए, क्योंकि हमें टोटल कैपेसिटेंस इसका कितना चाहिए 2μF चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कितनी, एक रो की वैल्यू कितनी है 1μF, 1/3μF, ऐसी कितनी रोज रखे, तो हमने यहाँ क्या रख दिया, n रख दिया, इसका मतलब कितनी रोज रखे ऐसी n, n की जगह m लेट कर लो यार, क्योंकि n तो हमने ऊपर भी लेट किया था, तो इसका मतलब कितनी मान ली हमने, m लेट कर ली। अब आंसर कितना चाहिए हमें, 2μF आपका आंसर आना चाहिए इसके थ्रू, तो आपको क्लियर हो रहा होगा लाइक ये 3 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 2 = 3 = 6, तो इसका मतलब ऐसी कितनी रोज होनी चाहिए, 6 रोज होनी चाहिए इस तरीके की, तब हमारा आंसर कितना आएगा 2μF। इसका मतलब ये हो गया, ये जो हमने 3 बनाए थे यहाँ पे, ऐसी हमें रोज कितनी, 1, 2, 3 तो हमने यहाँ ड्रॉ कर ली, ऐसी 3 रोज और होनी चाहिए तब आपका आंसर इतना आएगा, हो गई है 3 रोज और, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ऐसा कुछ सर्किट होना चाहिए इसका। तो इट मीन्स यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है कि आपके पास सीरीज में 3 कैपेसिटर लगे होने चाहिए, और पैरेलल वाली रोज ऐसी ये जो 3 कैपेसिटर वाली है कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो जो टोटल कैपेसिटर यहाँ पे यूज होंगे, टोटल कैपेसिटर दैट इज अबाउट 3 × 6 इज इक्वल टू 18 कैपेसिटर यहाँ पे यूज होंगे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो इसे एक बार क्विकली दोबारा देख लेते हैं क्या किया हमने क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे, ये देखा
कि यहाँ पे अगर हमें 1000 मिल रहा है तो इसका मतलब जो भी आपके पैरेलल में लगे होंगे सबको कितनी वोल्टेज मिलने वाली है, 1000 मिलने वाली है। इसको भी 1000, इसको भी 1000, इसको भी 1000। अब यहाँ पे मैं, अब ये जो 1000 मिलेगी यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर हैं उसमें 1000 जो होगी वो डिवाइड हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और आप लोगों को पता है कि एक कैपेसिटर की वोल्टेज जो होनी चाहिए वो 400 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो इट मीन्स कितने कैपेसिटर हम लगाए यहाँ पे मिनिमम, तो हम क्या लिख सकते हैं 1000/n = 400, मतलब कितने n का मतलब है नंबर ऑफ कैपेसिटर, उसे डिवाइड करें कि आंसर क्या है, 400 आए। तो हमारा आंसर कितना आया था, 2.5। तो 2.5 कोई कैपेसिटर होते नहीं है, तो इसका मतलब मिनिमम कितने लगाने पड़ेंगे हमें, 3 कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब हमने सीरीज में कितने कैपेसिटर लगाने, 3 कैपेसिटर लगाने। अब जब 3 कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हैं तो उस समय जो हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, तो हमने सीरीज का फॉर्मूला लगाया 1/C, 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 तो वैल्यू कितनी आई, 1/3μF। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई है, एक सीरीज वाले की। अब ऐसी सीरीज वाले हम कितने और अरेंज करें, ऐसे सीरीज वाले हम पैरेलल में और कितने अरेंज करें कि हमारा आंसर कितना है, टोटल 2μF। तो एक की वैल्यू इतनी है और कितने अरेंज करें हमने लेट कर लिया m, और आंसर कितना है, 2μF। तो आप सॉल्व करेंगे इसे तो वैल्यू कितनी आएगी, 6। तो इसका मतलब ऐसे हमारे पास जिस ये रोज जो हमारी बनी हुई है ये कितनी होनी चाहिए, टोटल 6 होनी चाहिए, क्लियर। और एक रो के अंदर कितने कैपेसिटर आ रहे थे, 3, तो इसका मतलब 3 into 6 = 18। तो टोटल कैपेसिटर यहाँ पे यूज होने वाले हैं 18 आपके।